हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द प्रीव्यूज़ फॉर द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये हमारा पहला प्रीव्यू एंड ये होगा गेम इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पर एंड ये है दस टीम्स का टूर्नामेंट मुकाबले चलेंगे नवंबर 19 तक जहां क्राउन किया जाएगा एक विनर जो हम सब होप कर रहे हैं कि इंडिया ही हो बट ये गेम है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें चाहे आपकी फैंटेसी टीम हो क्या बेस्ट फैंटेसी ऑफर्स चल रहे हैं उसके अलावा क्या वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स हैं हर प्लेयर की एंड किस सिचुएशन में आप किसको रोटेट कर सकते हो ग्रैंड लीग में बेस्ट टीम्स में सो ऑल ऑफ दैट हम डिस्कस करेंगे पहली चीज विन प्रशन इस मुकाबले के लिए मेरे हिसाब से इंग्लैंड होनी चाहिए फेवरेट सी ये मुकाबला जीतने के लिए As थोड़े बेटर फॉर्म में इवन न्यूजीलैंड ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस की है इन द प्रैक्टिस मैचेस एंड 60 परसेंट मिनी जियल 40 परसेंट स्मॉल लीग्स हम खेलेंगे इस मुकाबले में अब मिनी जियल एंड स्मॉल लीग्स का क्या डेफिनेशन है वो आपको ऑलरेडी पता है इनकेस नहीं पता है आपको टेलीग्राम पे तो वहां जुड़ना मत भूलेगा खेलेंगे My Master 11 पे दंगल जो भी एप्स आपको पसंद है सारे एप्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सचेंज पिक्स अगर वीडियो के एंड तक लाइव हुए तो वो भी जरूर डिस्कस करेंगे आप चलते हैं आगे के पार्ट पे इस प्रिव्यू के तो पहली चीज स्क्वाड न्यूज बेन स्टोक्स बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इस वर्ल्ड कप में बोलिंग उन्होंने टोटली अपना रूल आउट कर दिया है केन विलियमसन रूल्ड आउट है पहले मैच पे एस पर द ब्लैक कैप्स ट्विटर हैंडल याद रखिएगा कि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में कैप्टनसी भी की थी फील्डिंग एंड बैटिंग भी की थी बट जो इन्फॉर्मेशन है वो हिसाब से 100 परसेंट मैच फिट नहीं है मुकाबला नहीं खेलेंगे टीम साउदी ने प्रैक्टिस मैचेस में बोलिंग नहीं की एंड डाउटफुल स्टार्टर है पहले दो मुकाबलों में तो इन बातों का ध्यान रखिएगा उसके अलावा जो कीपिंग है वो ज्यादातर टॉम लेथम करेंगे एंड जब हम प्लेइंग इलेवेंस की बात करेंगे तो आपको उसकी भी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी तो वेदर रिपोर्ट की बात कर लें एक्सट्रीम हीट एक्सपेक्टेड है बट नथिंग दैट शुड डिस्टर्ब द प्ले जिसका ये मतलब है कि बारिश के अनुभव या चांस काफी कम है पेसर्स का एक लंबा दिन हो गया पहले इनिंग्स में स्पेशली क्योंकि हीट काफी ज्यादा होती है तो पेसर्स के लिए काफी परेशानी हो सकती है विद द विदिशन एंड वाइल ये चेजिंग ग्राउंड है इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को कि बेस्ड ऑन द कंडीशन विल द टीम टू बैट फर्स्ट क्योंकि हीट काफी हो सकती है तो वो एक फैक्टर होगा ध्यान में रखने के लिए बेस्ड ऑन द वेदर पिच की बात करें तो एक रिसेंट सीरीज यहाँ पे 2022 में हुआ था वो वेस्ट इंडीज के सामने हुआ था एंड जो तीनों गेम्स थे एंड ये तीनों आफ्टरनून गेम्स थे क्योंकि ओडीआई से तो ऐसा नहीं था कि शाम को ये गेम शुरू हुए आफ्टरनून गेम्स थे एंड तीनों गेम्स में जल्दी विकेट गिरे आफ्टरनून में तो इस बात का ध्यान रखेगा कि पिच रिपोर्ट बिल्कुल देखिएगा समझने के लिए कि क्या ऐसा फैक्टर वापस गेम में आ सकता है उन दोनों गेम्स में इंडिया ने 265 एंड 237 मारा था वाइल बैटिंग फर्स्ट जिसका यह भी एक मतलब है कि भाई जनरली आईपीएल में एक बहुत ही अच्छा बैटिंग पैराडाइज हो सकता है मे भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा एंड पिच रिपोर्ट पे पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि उससे ही आपको इस बात का हिंट मिलेगा बट वैसे तो आईपीएल में जो भी हमने देखा है वन एट्टी टू यहाँ बन जाते हैं एंड हमने एक बात जो वियर्डली ऑब्जर्व की है कि काफी ज्यादा मूवमेंट होता है यहाँ पे अंडर लाइट अगर आप जाके आईपीएल हाईलाइट देखेंगे शमी की कुछ पेल्स आप देखोगे कि बहुत ज्यादा मूवमेंट मिली थी उन्होंने उन्हें तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप अपनी टीम्स पिक कर रहे हैं प्लेयर्स लाइक टॉपली जो सेकेंड इनिंग्स में अंडर लाइट वो आपके लिए माई मास्ट इलेवन पे ट्वेंटी परसेंट रियल कैश ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नो टी है, तो बिल्कुल जाके वहां साइन अप करिएगा अब चलते हैं आगे की तरफ ये है एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन जिस मुकाबले के लिए इंग्लैंड के लिए देखिए तो जॉनी और डेविड मलान जो रूट रूड स्टोक्स जॉस पटलर, लिम लिविंगस्टन मोइन अली सैम करन आदिल रशीद रीस टॉपली एंड मार्क वुड अब हो सकता है कि अगर इन्हें ज्यादा बैटिंग डेप चाहिए तो ये रीस टॉपली के बदले क्रिस वोक्स को भी खिलाए बट रीस टॉपली का रिसेंट फॉर्म भी अच्छा रहा है एंड जो उनके अब तक के करियर के नंबर है वो भी काफी इंप्रेसिव है न्यूजीलैंड की बात करें तो डेविन कॉन्वेन विल यंग टू स्टार्ट ऑब्वियसली केन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ तो यहाँ पे रचिन रविंद्र आएंगे या तो टॉम लेथम एक नंबर ऊपर आएंगे एंड फिर आप मार्क चैपमैन को फिट कर जाएंगे बट क्योंकि आपको पता है रविंद्र के साथ आपको एक, एक एक्स्ट्रा बोलिंग ऑप्शन भी मिलता है एंड मेरे हिसाब से उनका खेलना ज्यादा लाइकली हो सकता है एंड उनका फॉर्म भी अच्छा रहा है ग्लेन फिलिप्स टैरिलचुल जिमी नीशम उसके बाद सैंटना मैट हेनरी ट्रेंट बोल्ट एंड लॉकी फॉर्गस्टेन हेनरी ट्रेंट बोल्ट एंड अगर क्रिस हैं तो इन के के लिए जरूर आउट करेगा ऐसे में। तो ये रहे आज आज के के अब चलते हैं आज के प्लेयर की। तो पहले हम बात करेंगे टीम न्यूजीलैंड की जो लास्ट ईयर की जो राधर टू के रनर के थी काफी क्लोज फाइनल का मुकाबला था जहां बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें जीतना चाहिए था तो ऑब्वियसली उस बात का जो बदला है उन्हें लेने का पूरा जज्बा होगा उन्हें इस मुकाबले में तो न्यूजीलैंड की बात करते हैं स्टार्ट करेंगे वे डेविन कॉनवे एक बहुत ही क्लासी खिलाड़ी है अपटॉप एंड पहले जब ये खेलते हैं स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में अपना समय लेके खेलते हैं एंड बहुत सारी बड़ी पारियां भी खेलते हैं अब सेकंड इनिंग्स में मैंने क्रॉस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उनका डेटा वहां खराब है बट क्रॉस इसलिए वहां पे लगाया इस कभी सेकंड इनिंग्स में जब इन्हें अपना समय नहीं मिलता है खेलने को स्टार्ट जब समझिए पे 350, 380 चेस करना पड़े तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं जब बड़ी चेजेस इनकाउंटर करें इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन्हें स्मॉल लीग से ड्रॉप कर लीजिए बट मे बी स्मॉल लीग से कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाए हैं एंड जीएल में इन्हें रोटेट करिए तो यही है रीजन बट ओवरऑल मेरे टीम में मैंने बिल्कुल पिक करूंगा बेस टीम में ये मेरे बिल्कुल रहेंगे पिच इन्हें सूट करना चाहिए एज अच्छी बैटिंग कंडीशन है फॉर्म भी इनका अच्छा है एंड जो इंग्लैंड के है सामने उनके सामने मैचअप्स भी अच्छे हैं तो ये है कॉनवे की बात अब अब चलते हैं विल यंग की तरफ। अब विल विल यंग यंग की की तरफ बात करें तो नए हैं इस रोल में अब तक ओपनिंग करते हुए रचिन रविंद्र भी आ सकते हैं इस रोल में कुछ सोर्टनिटी नहीं है बट कुछ इंपैक्टफुल इनिंग्स खेले अब तक इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सेकेंड इनिंग्स में उतना खास रिकॉर्ड नहीं है इनकी एक जो वीकनेस है वो जब अपफ्रंट मूवमेंट होती है तो इन्हें कुछ दिक्कतें होती है यहाँ पे आप देख रहे हो हेंस मैंने पिच के सामने हाथ का मार्क रखा हुआ है तो जब यहाँ पे तीन मार्क्स आपको देखेंगे एक जो है टिक मार्क जो टोटली पॉजिटिव है क्रॉस जो नेगेटिव है एंड जो हाथ का मार्क है वो है न्यूट्रल मार्क फॉर्म भी आप देख सकते हो इनका न्यूट्रल है एंड हेंस अभी के लिए इन पे कॉल हम बाद में लेंगे कि इन्हें लिया जाए या ना लिया जाए बट ये है करंट सिचुएशन विलियम की एंड मेरे हिसाब से अगर फ्लैट आउट बैटिंग कंडीशन है तो इन्हें कंसिडर कर सकते हैं बट अगर हमें पता है कि इंग्लैंड के बोलर अपफ्रंट वो मूवमेंट एक्सप्लॉयड कर सकते हैं तो मे बी इन्हें बेस टीम में ना लो फिर चले रचिन रविंद्र की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि केन विलियम इनके बदले यही खेलें इनका कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है तो हेंस फर्स्ट सेकंड इनिंग्स के पास में इन्हें लिखा हुआ है पिच इन्हें सूट करनी चाहिए अच्छी बैटिंग कंडीशन है अगर टॉप में खेलते हैं अदरवाइज तो इन्हें बोलिंग ऑलराउंडर कहा जाता है बट टॉप में खेलेंगे तो एज बैटिंग ऑलराउंडर अच्छा काम करके दे सकते हैं फॉर्म ठीक ठाक है मैचअप भी इनके ठीक ठाक है अगेंस्ट दी ऑपोजिशन एंड फ्लैम लेफ्ट हार्म बैटर है काफी रिसोर्सफुल है इवन विद द बॉल तो याद रखिएगा कि इम्पैक्ट बनाने का इनके पास मल्टीपल मौके होंगे अगर वन डाउन आते हैं प्लस बॉल के साथ इन्हें मौका मिलता है सिक्स या सेवन बोलर तो फ्लैट आउट पिच पे आप बिल्कुल मे बी इन्हें रिस्क ले सकते हैं स्पेशली अगर नीचे आते हैं फिर उन्हें बॉल के साथ भी मदद नहीं मिलती बट अगर वन डाउन आ मैं इन्हें बिल्कुल करूंगा फिर चलते हैं टॉम की तरफ काफी क्लास एक्ट है फॉर्म इनके साथ नहीं रहा है मैचअप भी इनके ठीक ठाक है उसके अलावा जो इनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है काफी अच्छा है स्पेशली इन चेज बट रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहा है पेस एंड बाउंस वाले ट्रैक्स पे इन्हें कंसिडर कर सकते हो तो जीएल में इस ट्रैक पे इन्हें बिल्कुल रोटेट करूंगा बट उसके अलावा आई थिंक एज एन अग्रेसर फ्रॉम द स्टार्ट इन्हें कुछ ट्रबल्स हो सकती हैं फिर बात करें ग्लेन फिलिप्स की एक बहुत ही बड़े बिग हिटर हर जगह जहां पे आपको कैचेस दिखेंगे न्यूजीलैंड के लिए थर्टी फोर्टीट कैचेस यही अकेले ले, ले लेंगे एंड राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डालते हैं तो अगेंस्ट टीम्स लाइक बांग्लादेश जहां पे बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स है जो भी टीम्स में आपको ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स देखे वायन का बॉल के साथ भी रोल बनेगा तो एक काफी गुड वैल्यू प्लेयर है रिस्क कभी ले सकते हो इन्हें ड्रॉप करने का जब क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आप न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर देखें तो डेविन कॉनवे हैं जो अक्यूमुलेटर हैं केन विलियमसन है जो अपना समय लेके खेलते हैं तो जनरली जब ग्लैन फिलिप जैसे प्लेयर का मौका आता है तब तक प्रेशर काफी बढ़ जाता है तो वाइल्ड प्लेयर बहुत अच्छे हैं इन्हें एक के बाद एक, एक रिस्क लेना पड़ता है जिसकी वजह से कभी कभार एक मौका दे जाते हैं तो हेंस उस सिचुएशन में आप रिस्क ले सकते हो स्पेशली पहली बैटिंग में सेकेंड बैटिंग में ऑब्वियसली सारे बैटर्स को एज पर द टारगेट के हिसाब से जाना पड़ता है तो या तो ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहां पे कुछ जल्दी विकेट्स गिर जाएं या तो ऐसी सिचुएशन में आए जहां पे उन्हें गेम फिनिश करना होगा

बिट्स एंड पीसेस कह सकते हैं आप क्योंकि कभी कभार अच्छा कर जाते हैं कभी कभार इन्हें ज्यादा मौका नहीं मिलता है ऑपरचुनिटी की प्रॉब्लम इन्हें हमेशा होती है मौका नहीं मिलता है इन्हें बहुत समय पर बट अगर आपको लग रहा है कि ऐसी पिच है जहाँ पे ज्यादा मूवमेंट जल्दी विकेट गिर जाए या आपको लग रहा है कि ये मूवमेंट वो भी एक्सप्लॉयड कर सकते हैं तो वो सिचुएशन में ट्राई करूंगा एल्स में इन्हें कोई और सिचुएशन में नहीं ट्राई करूंगा मिचुल सैटना की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है एज ये ऐसे टाइप ऐसे ऑफ बोलर हैं जो थोड़ा डिफेंसिवली डालते हैं वो बात की तकलीफ इन्हें हो सकती है पिच भी इनके हिसाब की नहीं है ज्यादा यहाँ पे स्पिन होती नहीं एंड फॉर्म भी इनका करेंटली कुछ खास नहीं चल रहा बट मैचअप बिल्कुल इनके फेवर में है तो अगर सेकेंड बोलिंग करते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी परफॉर्म नहीं कर, करेंगे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब अच्छा भी करते हैं तो जनरली आप देखते हैं इनके फिगर्स वन फोर फोर्टी वन फोर फोर्टी फाइव एंड ऐसे एक आध दिन जरूर होगा जहां वो ज्यादा विकेट लेके जाएंगे तो ये हुई सैंडने की बात मैट एनरी अच्छे फॉर्म में ठीक ठाक फॉर्म में है बट जो इनके मैचअप है वो काफी ठीक ठाक है एंड री इन, इनका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है एंड जो लाइट्स है वो लाइट्स अंडर द अंडर द लाइट्स जो मूवमेंट मिलती है वो ऐसे टाइप के बॉलर को बिल्कुल सपोर्ट करेगी तो मैट हेनरी एक ठीक ठाक पिक है स्पेशली अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं अहमदाबाद में जो हमने बिहेवियर ऑब्जर्व किया मूवमेंट अंडर लाइट्स इनको ये बिल्कुल एक्सप्लॉय कर सकते हैं एंड फ्लैट या स्लो पिचेस पे आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो वहां पर कुछ खास इन्हें नहीं मिलेगा फ्रॉम द ट्रैक

तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मैंने नहीं लूंगा फर्स्ट इनिंग्स में अगर मुझे लग रहा है डेथ में विकेट्स गिरेंगे एंड यही हो गए डेथ बोलर एज मैट एनरि जनरली स्टार्ट में डालते हैं तो वो हिसाब से इन्हें कुछ टीम्स में भी ट्राई किया जाए एल स्पेशली लो स्कोरिंग डेक्स में इन्हें मैं नहीं लूंगा तो ये हुई लॉकी फर्गसन की बात अब चलते हैं इंग्लैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम की पहले इंश्योर की आप तो साइन अप ना कि आपका, साथ साथ आपका जीएसटी का लोड है वो भी वो ले रहे हैं तो और की आप आप करें। दोनों ऐप के लिंक है तो इंग्लैंड की बात की जाए तो बेसिकली बिफोर आई स्टार्ट विद इंग्लैंड सेक्शन याद रखिए कि पहला गेम है हर टीम का तो थोड़े डिटेल में प्लेयर्स को डिस्कस कर रहा हूँ आगे जाते ऑब्वियसली डिस्कशन को थोड़ा शॉर्टर रखेंगे आपको सिर्फ

बट मेरे हिसाब से ओवरऑल एक एवरेज पिक होंगे इस गेम में जो इनका अप्रोच है अगर चल जाते हैं तो आपकी टीम को अकेले डिस्ट्रॉय कर जाएंगे बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी अप्रोच थ्री या फोर टाइम्स आउट ऑफ टेन चलती है डेविड मलान रिसेंट फॉर्म अच्छा है पिच भी इन्हें सूट करनी चाहिए सिर्फ एक इशू है वो है मैचअप्स के मैचअप्स मे बी इनके फेवर में ना हो एज बोल्ट ने इन्हें थोड़ा बहुत परेशान किया है बाकी मैचअप्स भी ऐसा नहीं कि एक के बाद एक डिसमिसल है बट थोड़ी बहुत परेशानी हुई है इन्हें इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट तो ये बात याद रखिएगा थोड़ा अपना समय लेके खेलते हैं फर्स्ट बैटिंग में सेवेंटी प्लस का स्ट्राइक रेट है कभी इन पर रिस्क लूंगा अगर हाई स्कोरिंग पिच है एंड हमें पता है कि इन्हें थोड़ा अपना समय लेना पसंद है तो उस केस में जो पेस ऑफ द गेम है मे बी उन्हें सूट ना करे तो इस केस में मैं मे बी उनका डिसमिसल हो जाए तब उन पर रिस्क ले सकता हूं उसके बाद जो रूट रीसेंट फॉर्म बहुत खराब रहा है इवन दो है, बहुत ही अच्छा है इनका, भी सूट करनी चाहिए। तो बेसिकली टोटली totally एक फॉर्म कॉल होगा एंड गट फील कॉल होगा ऑन द डे बेस्ड ऑन द ट्रैक हमें उन्हें लेना है या नहीं करंट फॉर्म में भी मे बी इन्हें बेस टीम में लिया जाए बट जीएल में इन्हें बिल्कुल आप रोटेट कर सकते हो ये हुई जो रूट की बात बेन स्टोक्स की बात करें तो पिच फॉर्म मैचअप्स एंड काफी अच्छा रिकॉर्ड भी है इनका हिस्टोरिकली सिर्फ एक ही इशू है जैसे बेस्टो का इशू है कि जब ये चलते हैं तो आपकी टीम को पूरी तरह से तबाह कर जाएंगे बट वापस ऐसी अप्रोच थ्री या फोर टाइम्स आउट ऑफ टेन चलती है बाकी छह टाइम मे बी ये तीस या ट्वेंटी फाइव के बिलो आउट हो जाए एंड आपको मे बी थोड़ी बेटर वैल्यू मिल जाए फ्रॉम एन ऑलराउंडर और बोलर तो हेंस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी टीम्स के पास मिडिल ऑर्डर बोलिंग स्ट्रांग है या कोई मिस्ट्री स्पिनर्स हो उस केस पे इनपे रिस्क लिया जा सकता है जॉर्ज बटलर क्लास एक्ट है ज्यादा इन्हें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है चाहे स्लो ट्रैक हो बाउंस हो ये हर सिचुएशन में कर जाते हैं, अब तक उनकी वो नॉक याद है मुझे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो प्रीवियस वाली थी अगेंस्ट श्रीलंका तो, इन की बात करें तो एक बड़ा नॉक आया अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन सीरीज बट उसके अलावा फॉर्म कुछ खास नहीं रहा प्रॉब्लम क्या है इनके साथ वापस ये एंड मोइन अली मिलके के दस ओवर डालते हैं तो कभी ये डालते हैं कभी नहीं डालते हैं कभी दो तीन ओवर ही डालते हैं तो हेंस ये एक बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है एंड प्रॉपर पेस हिटर है जहां पे पेस एंड बाउंस है वहां डोमिनेट कर सकते हैं तो अहमदाबाद के ट्रैक पे थोड़े टीम्स में बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो चलते हैं आगे के प्लेयर्स की तरफ मोइन अली ये ऐसे प्लेयर है जो स्लो डेक्स पे ज्यादा काम आते हैं स्पिनर्स को ज्यादा टेक ऑन करने की कोशिश करते हैं फास्ट डेक्स पे मे भी उतने काम ना आए एंड ये अहमदाबाद एक थोड़ा फास्ट डेक है तो पिच में भी इन्हें बैटिंग के हिसाब से आपको लगता है कि कुछ रन मार के दे सकते हैं बट एल्स मैं ज्यादा इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ ज्यादा है नहीं ज्यादा खेल है नहीं एक दूसरे के सामने उसके बाद चलते हैं सैम कारिन की तरफ यूजफुल विद बैट डाउन दी ऑर्डर काफी वेरिएशन भी है इनके पास विद द बॉल तो यूजफुल खिलाड़ी है एंड सेकंड इनिंग्स में इनका रिकॉर्ड अच्छा है बट मैच ऑफ फॉर्म पिच मे भी कुछ भी इनके फेवर में ना हो ये ऐसी टाइप ऑफ पिच पे ज्यादा काम आएंगे लाइक लखनऊ टाइप ऑफ ट्रैक जहां पे होल्ड होता है डेक तो इस बात का ध्यान रखिएगा गुड बैटिंग डेक्स पे इन पे आप चांस ले सकते हो एंड ये एक अच्छी बैटिंग डेक है ऑल रिस्क हमेशा रहेगा एज ये ऐसे टाइप के प्लेयर हैं जो दस ओवर भी देंगे एंड बैटिंग वैल्यू भी आपको देंगे डाउन दी ऑर्डर

जो इनका इंपैक्ट रहा है एन ओडीआईस जितने अच्छे प्लेयर है उतना उनका इंपैक्ट अब तक रहा नहीं है तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक एवरेज पिक है वापस एक इनफोर्सर है जैसे लॉकी फर्गसन एक इनफोर्सर है वैसे ये भी एक इनफोर्सर है जब विकेट्स लेंगे एक बंच में लेंगे बट जो टीम्स पेस को अच्छा खेलती है उनके सामने में भी आप इन रिस्क ले सकते हो तो ये वही मार्क की बात अब चलते हैं हमारे आज की फैंटेसी टीम की तरफ एंड बिल्ड करते हैं उस टीम को इस नोट्स को आप बिल्कुल वापस रिफर कर सकते हैं स्पेशली आप अपनी जीएल टीम्स जब बना रहे हो पोस्ट द टॉस ये सब आपको बिल्कुल काम आएगा अब चलते हैं आज की बेस टीम की तरफ तो स्टार्ट करेंगे कीपिंग सेक्शन से यहाँ पे जॉर्ज पटलर एंड डेविन कॉनवे दोनों एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स लेते मैं जॉनी बेस्टो अगर अच्छे ट्रैक्स रहे बिल्कुल ही नहीं कसिडर कर सकते हो बट अभी के लिए मैं जा रहा हूं उन दोनों के साथ केन विलियम नॉट इन माई टीम एज ऑब्वियसली नहीं खेलना नहीं खेलने वाले इस गेम में डैरिल मिचिल एक अच्छी पिक बेस्ड ऑन फॉर्म डेविड मलान जैसे हमने टिक किया मुझे लग रहा है कि इन इनका भी इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए इस मुकाबले में दूसरे जो हमारे टिक्स थे इस गेम में वो थे यहाँ पे री स्टॉपली एंड ट्रेंड बोल्ट तो इन दोनों को मैं लेके जा रहा हूँ तो ये थे हमारे सिक्स टिक्स एंड जो आपकी बेस्ट टीम होगी ग्रैंड लीग में उन पे ये सिक्स प्लेयर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है अब चलते हैं बाकी के प्लेयर्स की तरफ आप किन को पिक कर सकते हो और क्या सिचुएशन में अब मार्क वुड का हिस्टोरिकल हैं अच्छा नहीं है ये एक इन्फोर्सर बन के आ सकते हैं इस ट्रैक पे एंड में इन्हें पिक करके चल रहा हूँ यहाँ पे टिम साउथ मोस्टली नॉट अवेलेबल मैट हेनरी जैसे मैंने कहा कि जो भी हेल्प होगी फ्रॉम द ट्रैक स्पेशली अगर ये सेकेंड बॉलिंग करते हैं तो काम आ सकते हैं हेंस अभी के लिए उनके साथ जा रहा हूँ फिर बाकी पिक्स की बात करें मिचेल सैंटना अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं तो बिल्कुल लेके जाऊंगा एल्स में जाऊंगा लियाम लिविंगस्टन के साथ अभी के लिए मैं मिचेल सैंटना को पिक कर रहा हूं एंड वो इंटरचेंज बिल्कुल किया जा सकता है सैम करन एक दूसरी ठीक-ठाक पिक है आप कुछ टीम्स में इन्हें ट्राई कर सकते हो अभी के लिए उन्हें मैं नहीं पिक कर रहा हूं बट यहां पे रचन रविंद्र जैसे मैंने कहा अगर खेलते हैं मैं उनसे कुछ अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब बचता है हमारे साथ एक स्लॉट इंग्लैंड का आपको सेफ जाना है तो आप सैम कारिन के साथ जा सकते हो अभी के लिए मैं लिविंगस्टोन को स्लॉट में पिक कर रहा हूं। अगर कोई एक्स्ट्रा बॉलर यहाँ पे खेलता है स्पेशली मे बी लाइक समे अंडर लाइट हेल्प मिल सकती है उनके साथ जा सकता हूँ एल्स यहाँ पे जा सकता हूँ वे जो रूट तो ये है एक अच्छी पिक यहाँ पे अगर आपको सेफ जाना है तो आप लिविंगस्टन को छोड़ के रूट के साथ जा सकते हो बट मैं क्या विद लिटिल बिट ऑफ सेफ्टी एज मुझे लग रहा है कि अच्छा है कि क्योंकि ये पेस एंड बाउंस अच्छा इस ट्रैक में में मे बी पे विद द बैट आपको काम करके दे सकते हैं स्पेशली अगर पहली बैटिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट चॉइस अभी भी है वो है ट्रेंड बोल्ट एज चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो या सेकेंड इन्हें हेल्प तो मिलनी ही चाहिए एंड सेकंड इनिंग्स में हेल्प उन्नी ज्यादा एक्जेजरेट हो जाएगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा एंड ट्रेड बोल्ट को मैं अभी के लिए कैप्टन बना रहा हूँ वाइस कैप्टन की बात करें तो डैरिलचुल एंड डेविड मलान के बीच होगी चॉइस मेरी अभी के लिए मैं जा रहा हूँ डेविड मलान के साथ एज थोड़ा ज्यादा ऑपरचुनिटी मिलता है थोड़ा अबव खेलते हैं में उनके साथ जा रहा मे बी आप कहोगे कि सेफ्टी बट दैट इज नॉट द केस एज ज्यादा मिलेगी तो ऑब्वियसली उन्हें रन बनाने का ज्यादा मौका वहां पे मिलना चाहिए जॉस बटलर भी एक अच्छी पिक है बिल्कुल आप उन्हें ट्राई कर सकते हो एज वाइस कैप्टन तो ये अभी के लिए मेरी बेस टीम उसके अलावा अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम रचिन रविंद्र एंड री स्टॉपली मैट एनड्री ये तीन प्लेयर अगर खेलेंगे नहीं ये थोड़ा सा फिफ्टी फिफ्टी वाली बात है एंड याद रखे की वन बिटवीन सैटन एंड लिविंगस्टन को मैं लेके जाऊंगा पोस्ट द टॉस तो ये हुई बेस्ट टीम आप चलते हैं आज के मैचअप्स की तरफ तो मैचअप की बात की जाए जो रूट वज इस ट्रेंड बोल्ड नाइनटी ऑफ हंड्रेड एंड फोर फाइव विकेट तो वाइल्ड रिकॉर्ड भी अच्छा है जो रूट विद बैट बोल्ड भी पांच बार आउट कर चुके हैं येलो इंडिकेटर जॉनी बेस्ट इज ट्रेंड बोल्ड चार डिसमिसल एंड स्ट्राइक रेट भी काफी खराब तो इस मैचअप का जरूर ध्यान रखिएगा आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि बेस्ट हो क्यों नहीं है वो बेस्ट टीम में जो रूट वर्सूल थ्री डिसमिसे बट जो रूट ने भी काफी ठीक ठाक खेला है इन्हें तो एन इंटरेस्टिंग बैटल टू तो वॉच आउट फॉर टॉम लेथम वर्स मोइन अली यहाँ पे मोइन अली आएंगे इन द मिडिल ओवर्स एंड टॉम लेथम भी आएंगे इन द मिडिल ओवर्स तो उन्हें डोमिनेट कर सकते हैं स्ट्राइक रेट भी सिर्फ सेवेंटी का जॉस बटल स्टैंड बोल्ड पूरी तरीके से डोमिनेट किए और, और दो बार आउट कर चुके हैं वहां पे एक ग्रीन इंडिकेटर आपको दिख रहा है एज मेरे हिसाब से ये मैचअप इन बटलर्स फेवर होना चाहिए तो ये हुए आज के मैचअप्स एंड ग्रैंड लीग ऑप्शन लो सिलेक्ट डाक आदिल रशीद बोलिंग सेकेंड री स्टॉपलीस रचिन रविंद्र ऑलरेडी बेस्ट टीम में बता दिया क्यों आई सिलेक्ट ड्रॉपरिस्ट बॉम्ब यहाँ पे लियम लिविंगस्टन अगर जैसे मैंने कहा कि उन्हें सेकंड बैटिंग मिलती है वो हिसाब से फिर में भी दोनों इनिंग्स में उनका इम्पैक्ट ज्यादा ना रहे मार्क वुड अगर फ्लैट ट्रैक है तो ड्रॉप करूंगा एंड जोनी बेस्टो बेस्ड ऑन द मैचअप ग्रैंडली कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस कॉन्वे एंड मलान बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड टॉपली एंड ग्लेन फिलिप्स एंड इन बोथ बटलर एंड बोल्ट मेरे हिसाब से काफी अच्छी पिक्स हैं तो ये है मेरी आज की पिक्स ऑब्वियसली बेस टीम में ग्लेन फिलिप्स नहीं है करंटली बट जैसे मैंने कहा अगर रविंद्र नहीं खेलते अगर सैंटनर पहले बॉलिंग करते हैं तो वो स्लॉट्स में आ जाएंगे ग्लेन फिलिप्स सिर्फ क्योंकि सैंटनर एंड रविंद्र का कोटा थोड़ा ज्यादा सर्टिन है एंड में उन्हें लेके गया हूं तो ये हुए हमारे आज के ग्रैंड लीग ऑप्शन एक्सचेंज प्वेंट पे गेम अब तक लाइव नहीं है उसके फाइनल अपडेट्स मैं आपको दे दूंगा ऑन टेलीग्राम तो रिमेंबर टू जॉइन एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो अगर आपको रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन कमेंट एंड आपका कोई भी फीडबैक ऑन द प्लेयर कार्ड तो जरूर मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आते रहे जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग एन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप